हेलो स्टूडेंट्स, आरसीए एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपना लेशन नंबर 10 जेवर असाइन चल रहा है, जिसमें अपन आज टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलीपेप्टाइड। ये आपका प्रोटीन का है टॉपिक है पॉलीपेप्टाइड, ध्यान से समझिएगा। अपने पास में देखिए, आपको प्रोटीन का जल अपघटन टॉपिक समझाया था। जब प्रोटीन स्टार्ट किया था तब वहां पे अपने पास में ये टर्म आई थी, तो इसको समझने के लिए अपन वापस वहीं जाएंगे, एमिनो अम्ल। अब एमिनो अम्ल से क्या बनेंगे अपने पास में, पेप्टाइड। क्या बनेंगे, पेप्टाइड यौगिक बनेंगे। क्या बनेंगे अपने पास में, पेप्टाइड यौगिक। और पेप्टाइड यौगिक मिलकर क्या बनाएंगे अपने पास में, पॉली पेप्टाइड। क्या बनाएंगे अपने पास में, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या है अपने पास में, प्रोटीन। क्या है, प्रोटीन। इस सीक्वेंस आप समझ के चलो, एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे, पेप्टाइड होगी, और पेप्टाइड होगी क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या होते हैं आपके, प्रोटीन होते हैं। तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि ये पॉलीपेप्टाइड बनता कैसे है, राइट। दोबारा बात करते हैं, एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे, पेप्टाइड यौगिक। पेप्टाइड यौगिक मिलकर क्या बनाएंगे, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही क्या है आपके, प्रोटीन। तो अब इन पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, इन पॉलीपेप्टाइड यौगिकों की जो इकाई है वो क्या है, एमिनो। क्या है, एमिनो अम्ल। तो यहां पर अपन कहेंगे वे यौगिक या पेप्टाइड यौगिक का निर्माण, इसकी बात करेंगे अपन, पेप्टाइड यौगिक का निर्माण जो होता है, पेप्टाइड यौगिक का निर्माण जो होता है वो एमिनो अम्लों के कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह व एमीन समूह के मिलने से होता है, जिनके मध्य कौन सा बंध बनता है आपका, अपने पास में NH2 और CHS। इसकी बात हो रही है NH2 और CHS समूह, इन दोनों के मध्य कौन सा बंध बनता है बेटा, पेप्टाइड बंध। ध्यान देना इसको, कौन सा बंध बनता है आपका, पेप्टाइड बंध। तो यहां पर पॉलीपेप्टाइड यौगिक किससे मिलके बनेंगे, एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल से क्या बन रहे हैं आपके, पेप्टाइड यौगिक। क्या बन रहे हैं, पेप्टाइड यौगिक, जिनका निर्माण किससे होगा, एमिनो अम्ल व कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के मिलने से, जिनमें कौन सा बंध बनता है आपका, पेप्टाइड बंध बनता है। अब कैसे बनता है वो देखिए आप, जैसे अपने कोई एमिनो अम्ल ले लिए, ये आपका एक एमिनो अम्ल हो गया, आर लिख दिया मैंने यहां पर, और ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, और इधर ले लिया अपन ने एन एच और एच, राइट। दूसरा एमिनो अम्ल ले लिया अपन ने, ये कोई दूसरा एमिनो अम्ल है। तो इन एमिनो अम्ल का एक सिरा तो किसका है, CHS का, और दूसरा सिरा किसका है, NH2 का। दोनों आपस में मिलेंगे, और मिलने के बाद में इनके मध्य जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा आपका, पेप्टाइड बंध होगा। एक एमिनो अम्ल का CHS सिरा, दूसरे एमिनो अम्ल का NH2 सिरा मिलकर जो बंध बनाते हैं उसको बोलते हैं अपन पेप्टाइड बंध। कैसे बनेगा देखिए, यहां से तो क्या होगा OH, और यहां से क्या होगा आपका, ये H बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O, यानी लिख सकता हूं -H2O। -H2O मतलब क्या हो गया, H2O बाहर निकल गया, क्लियर। अब देखो क्या बनेगा अपने पास में, R सी डबल बोन ओ, और ये गया सब, क्या बच गया, N और H, और ये CH2। अब आगे बनाएगा ये चेन बनती है, एक श्रृंखला बनती है बेटा आपकी एक, और इधर भी बनाएगा आपको ये N और ये H। इस तरह से अपन इसको आगे बता सकते हैं कि ये आगे किसी अन्य एमिनो अम्ल से बंध बनाता चला जाएगा। अभी अपने पास में कितने एमिनो अम्ल जुड़े हैं, दो एमिनो अम्ल, कितने जुड़े हैं, दो एमिनो अम्ल। और यहाँ पर जो बंध बना है, इस बंध को अपन क्या कहेंगे, पेप्टाइड बंध। क्या कहेंगे इसको अपन, पेप्टाइड बंध। कोई दिक्कत है,
आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे इसको अपन? पेप्टाइड बंद कहेंगे। दो एमिनो अम्ल में, दो एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक अम्ल वो एमीन समूह के मिलने से जो बंद बनता है उसको क्या कहेंगे अपन? पेप्टाइड बंद कहेंगे। क्लियर? और इनसे क्या बनते हैं आपके? पेप्टाइड यौगिक बनते हैं, वो मिलके आपके क्या बनाते हैं? पॉली पेप्टाइड बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, एक और दो कितने एमिनो अम्ल है? दो एमिनो अम्ल। अब यहां पर एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइड यौगिक कितने प्रकार के होंगे आपके? देखो इधर, नंबर एक आपके डाइपेप्टाइड, इसकी बात करेंगे अपन डाइपेप्टाइड। फिर बात करेंगे अपन किसकी? ट्राइपेप्टाइड। तो यहां कितने एमिनो अम्ल होंगे? दो एमिनो अम्ल। कितने होंगे आपके पास में? दो एमिनो अम्ल, जैसे आपका ये वाला बन गया। तो ये तरह, एक तरह से ये क्या हो गया आपका? डाइपेप्टाइड हो गया। क्या हो गया ये? डाइपेप्टाइड। तो दो एमिनो अम्ल से बनने वाले क्या कहलाएंगे आपके? डाइपेप्टाइड कहलाएंगे। दो एमिनो अम्लों से बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? डाइपेप्टाइड यौगिक कहलाएंगे। क्लियर? अब बात आती है किसकी? ट्राइपेप्टाइड। किसकी बात आती है आपकी? ट्राइपेप्टाइड। कितने होंगे इसमें? तीन एमिनो अम्ल। कितने होंगे आपके? तीन एमिनो अम्ल से मिलकर जो यौगिक बनता है उसको क्या कहेंगे अपन? ट्राइपेप्टाइड यौगिक कहेंगे। नंबर तीन है टेट्रापेप्टाइड। इसकी बात होगी आपकी टेट्रापेप्टाइड। कितने होंगे इसमें? चार एमिनो अम्ल। कितने मिलेंगे इसमें? चार एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाएंगे? टेट्रापेप्टाइड। अब बात आ जाती है नंबर चार से अपने पास में पॉलीपेप्टाइड। इसकी बात आती है पॉलीपेप्टाइड, जिसकी अपन अब तक से बात कर रहे थे। तो बात समझ लीजिए, डाइपेप्टाइड में कितने एमिनो अम्ल बनेंगे? दो एमिनो अम्ल मिलेंगे। ट्राइपेप्टाइड में कितने मिलेंगे? तीन एमिनो अम्ल। टेट्रापेप्टाइड में कितने मिलेंगे? चार एमिनो अम्ल। अब बात आती है इसकी पॉलीपेप्टाइड की। तो यहां पर 10 से अधिक एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। और इनका अणु भार 10,000 से भी क्या होता है? अधिक। तब इनको अपन क्या कह देते हैं? प्रोटीन। क्या बोलते हैं इनको बेटा? प्रोटीन। क्लियर? तो पॉलीपेप्टाइड में क्या हुआ? 10 से अधिक एमिनो अम्ल मिलकर क्या बना रहे हैं? पॉलीपेप्टाइड, जिनका अणु भार कितना? 10,000 से अधिक होता है, तब उनको अपन क्या कहेंगे? प्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे अपन? प्रोटीन कहेंगे। क्लियर? अब अपना लास्ट टॉपिक बचता है प्रोटीन से संबंधित, जो है प्रोटीन के जैविक कार्य। इसकी बात करेंगे अपन इसमें प्रोटीन के जैविक कार्य। देखिए, बात करते हैं अपन इसकी प्रोटीन के जैविक कार्य, मतलब प्रोटीन जीवों में क्या क्या कार्य करता है। प्रोटीन जीवों में क्या क्या कार्य करता है, ध्यान से समझिए। नंबर एक है शरीर के संरचनात्मक अवयव में। पहला कार्य कौन सा है? शरीर के संरचनात्मक अवयव में। कैसे? अपने पास में बाल है, नाखून है,
ये मिलके बनते हैं किससे, केरोटीन प्रोटीन से, इससे मिलके बनते हैं केरोटीन प्रोटीन से। बात आते हैं आपके संयोजी उत्तक, इसकी बात आती है संयोजी उत्तक। अब संयोजी उत्तक जो बनते हैं आपके वो बनते हैं किससे, कोलेजन प्रोटीन से। किससे बनते हैं आपके बेटा, कोलेजन प्रोटीन से बनते हैं, कोलेजन प्रोटीन। संयोजी उत्तक किससे बनते हैं, कोलेजन प्रोटीन से। फिर बात आती है आपकी मांसपेशियां, इसकी बात आती है मांसपेशियों की बात आती है, ये बनते हैं आपके मायोसिन, किससे बनते हैं ये, मायोसिन प्रोटीन से। इस तरह से प्रोटीन अपने शरीर के संरचनात्मक अवयव बनाने में भाग लेते हैं। बाल और नाखून किससे मिलकर बनेंगे, केरोटीन से। संयोजी उत्तक कोलेजन से, मांसपेशियां मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। दूसरा कार्य देखते हैं अपन यहां पर, दूसरा है अपने पास में हार्मोन के रूप में। इसकी बात हो रही है हार्मोन के रूप में, कैसे अग्नाशय, सब जानते हो यहां से कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन। कौन सा होता है, इंसुलिन हार्मोन, जो किसके मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हार्मोन जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्त्रवित होता है, इंसुलिन हार्मोन। ऐसे अपने पास में थायरॉइड, कौन सी ग्रंथि अपने पास में, थायरॉइड, कौन सा हार्मोन होगा आपका, थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन होगा आपका, थायरोक्सिन हार्मोन। क्लियर। और ये हार्मोन किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा, प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर। तीसरा है आपका जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक मतलब एंजाइम, इसकी बात हो रही है आपकी एंजाइम। इसके बने मिलकर बने होते हैं आपके प्रोटीन से, मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं एंजाइम, जिनको क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। किससे मिलकर बने होते हैं, ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नंबर चार अपने पास में ऑक्सीजन वाहक के रूप में, इसकी बात होती है ऑक्सीजन वाहक के रूप में। आपको पता है आपके ब्लड रुधिर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, रक्त को ले जाने का कार्य करता है, और रक्त में क्या उपस्थित होती है, ऑक्सीजन, राइट। तो ये हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का आपका प्रोटीन है। क्या है आपका, प्रोटीन है। क्लियर। दूसरा है आपका शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में, इसमें प्रतिरक्षा तंत्र में मतलब आपकी जो एंटीबॉडी होती है, कौन सी होती है, एंटीबॉडी, वो भी क्या होती है आपकी, प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है। शरीर की सुरक्षा में जिसे एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबिन, एक तरह की होती है आपकी, प्रोटीन होती है। क्लियर। लास्ट बात करें अपन किसके बारे में, कि शरीर के मरम्मत व अन्य कार्यों में, जैसे मांसपेशियों में, इनमें सब में क्या उपस्थित होते हैं आपके, प्रोटीन उपस्थित होते हैं। इस तरह से प्रोटीन के जैविक कार्य होते हैं, जो अलग अलग तरीके से अपने शरीर की रक्षा व अन्य कार्यों में सहायता करते हैं। क्लियर बेटा, ये आपका प्रोटीन कंप्लीट हो चुका है इस क्लास में। अब अपन आगे क्लास में एंजाइम को अपन डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।